फिर यहाँ पे इसकी बाड़ बना लो दो ताकि पानी बाहर ना जाए, फिर इसके अंदर अंदर पानी रहेगा। सचराज का तला यहाँ पे जो सड़क के पार ये घर है ना, इधर पहले घोड़े रहते थे, घोड़े मतलब ये पठानों का पता नहीं कि इनका घर है, कई घोड़े थे इनके पास। यहाँ पे मेरे दादी जी बना रहे हैं तंदूर की रोटी। ठीक है, मम्मी जी हो रहे थे लेट तो मैं मम्मी जी को हेल्प करवा रहा हूँ सब्जी कटवाने में। उतनी मेरी है, इतनी मम्मी जी की है, मैं आगे और हेल्प करवा रहा हूँ। ये नारियल की चटनी एकदम होटलों में बनती है। इधर ये कृष्ण जी, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। फ्रिज के अंदर देखो एकदम ले लद्दाख ही बना पड़ा है। मैं ले लद्दाख जाने की सोच रहा हूँ इसके अंदर ही आ जाऊँ, बस फिट नहीं आऊँगा। ऐसे बड़ा फ्रिज लिया है, उसके अंदर ऐसे बर्फ जमा ली, उसके अंदर घूमते रहे। इधर इसमें राबड़ी है, वो अपने को पीनी है। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. इधर आज हमारे ना दादी जी तंदूर पर खाना बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनती है तंदूर पर रोटियाँ। यहाँ पे मेरे दादी जी बना रहे हैं तंदूर की रोटी, जो बाजार में जो शहर में आजकल तंदूर की रोटी मिलती है ना, उसमें पता नहीं आटा कौन सा होता है, मिक्स करके अजीब सा चावलों का आटा होता है। यहाँ पे कनक के आटे की कनक हुई है नहीं, थोड़ा कनक का थोड़ा मिस्सा, मिस्सा आटा भी बहुत काम का होता है। Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If all मेरे को बहुत 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 ज़्यादा डांट पड़ रही है, क्योंकि अभी बज चुके हैं 10 और मैं अब तक नहाया नहीं हूँ। हमारे घर पे रूल है 6 बजे से पहले नहाना होता है, लेकिन मैं अब तक नहीं नहाया, इसलिए मेरे को बहुत डांट पड़ रही है। लेकिन मैं अभी क्या करूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, समझ नहीं रहा मेरी प्रॉब्लम है, तुम समझो सिर्फ तुम। अभी देखो आज वीडियो एडिट कर रहा हूँ, घर पे क्या है कि वाईफाई नहीं है, स्पीड नेट की बहुत स्लो आती है 1-2 MB, तो मेरे को वीडियो अपलोड करने के लिए बिश्नोई मंदिर जाना पड़ता है, उधर लाइब्रेरी है उधर, या फिर राहुल चाचा की दुकान पर। तो आज वाली वीडियो क्या लेट होगी, वो इसी कारण कि थोड़ा बिजी था और घर पर नेट नहीं था, और अब मैं जा रहा हूँ उधर और वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी चलते हैं, इतनी धूप में मैं जा रहा हूँ। फाइनली अभी मैं बिश्नोई मंदिर पहुँचा हूँ, और अभी ये मंदिर इधर, इसके नीचे लाइब्रेरी है, और अभी लाइब्रेरी के अंदर चलेंगे। चलो आ जाओ, चलते हैं अभी। हाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, अलग ही लेवल की गर्मी है। अभी क्या है कि मैं आया हूँ वापस घर पे, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। आज बन रही है इधर पनीर की भुर्जी, जो कि मैं बना रहा हूँ। They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally इधर ना फ्रिज में नारियल की घीरी पड़ी थी, तो नारियल की घीरी बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगती है मेरे को। तो फाइनली हमारी सब्जी हो गई एकदम बढ़िया से तैयार। अभी क्या है ना, हमारे घर पे आए हैं कोई गेस्ट बाहर, तो मेरे पापा ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा बड़ा लड़का है और ये व्लॉगर है। यार इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी, आज पहली बार ऐसे बोलते, वरना ऐसे बोलते हैं ये पढ़ाई कर रहा है, ठीक है साथ में वीडियो बना लेते हैं कभी कभार, ऐसे कोई बाद में कोई अगर पूछते तो और क्या करता है तो पूछते हैं कि वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आज पहली बार बोला कि मेरा बेटा है और ये व्लॉगर है। यार इतनी खुशी, इतनी खुशी, क्या समझ सकते हो ना, क्या मतलब क्या खुशी मिलती है तुमको इंट्रोड्यूस किया जाए कि ही इज़ माई बेटा, या फिर कोई भी कोई चाचा मामा भाई कि ये व्लॉगर है। अभी क्या गेस्ट चले गए और मैं आ गया वापस अपने वेशभूषा में घर वाले लोअर टी शर्ट में, और अभी हमारे पास सिर्फ एक गाय है, उसके लिए हरा काटना है बोटना है,
तो जैसे वो है उस इस मशीन को चला के इसके अंदर डालने, फिर वो छोटे छोटे इसके टुकड़े कर देगा। तो हमारा जो इधर काम वाले भैया हैं वो यहाँ से चले गए अभी घर पे, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी मशीन नहीं चलती तो कटता नहीं है। अभी लाइट आई है वो नहीं है तो कभी कभी हमें करना पड़ता है काम, और मैं करूँगा आज ये, कितना मैं कामू लड़का हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots, they're too tight. मैंने घास काट दिया लगभग सारा ही काट दिया। अभी इसको गाय को नीरना भी है, ये बैठले इसके अंदर मैं भरूंगा अभी घास। और इधर मेरी मम्मी खड़ी है, सुपरवाइज कर रही है मेरे को कि ऐसे करना है। इधर ये गाय का खाना है, ये गाय खा रही है खाना, और हम अंदर चलते हैं और अपना खाना खाते हैं। मेरी मम्मी को खुद ने इतनी टेस्टी नारियल की सब्जी बनी, चटनी बनी थी वो ले ली, मेरे को थोड़ी सी प्याज की डाल के कहते तू ये खा ले। अरे कितना गलत हो रहा है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग सभी को, और कैसे हो आप सब? आज का हो सकता है शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी हो सकता है बिल्कुल फ्री रहें उसका कुछ पता नहीं, लेकिन अभी जा रहे हैं हम रनिंग करने। इधर से पहले भारतमाला रोड तक जाएंगे पैदल आराम से, फिर वहाँ से रनिंग करेंगे, बाज़ार में अपनी दुकानें हैं वहाँ तक, और फिर वहाँ तक रनिंग करने के बाद वहाँ से वापस आराम से आएंगे, वहाँ तक चलेंगे। वो अप्रोक्सीमेट 4 किलोमीटर बन जाएगा, आज ही भागेंगे, ऐसा नहीं है कि रोज़ भागते हैं। वो कभी कभी शुरूर लगता है कि एक ही दिन में पतला होना है, बस वही शुरूर है, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार चलो जब भी मन करे भाग लो पतले हो जाओ, जितनी एक्सरसाइज होती है जिस दिन होती है कर लो। भाई नई मंडी तक आ तो गए हैं घूमते घामते, लेकिन अब समस्या है वापस जाने वाली कि पैर यहाँ पे आके दर्द होने लग गए। यहाँ पे देखो वो उधर कॉर्नर में उधर जो वाइट कलर की है वो अपनी दुकानें हैं। अब समस्या तो ये है कि यहाँ तक तो आ गए अपने, लेकिन अब समस्या सबसे बड़ी तो यही है, बस वापस कैसे जाएं, पैदल ही जाना पड़ेगा। इधर ना सामने जोधपुर 377, जैसलमेर 374, क्या यार जैसलमेर चलेंगे, घुमा नहीं हुआ अपना, चलें पैदल ही। सच में आज पैदल आए इतने दूर, कहाँ की दूरियाँ हैं मिटा दो ये दूरियाँ। यहाँ पे जो सड़क के पार ये घर है ना, इधर पहले घोड़े रहते थे, घोड़े मतलब ये पठानों का पता नहीं कि इनका घर है, कई घोड़े थे इनके पास। एक काम करते बीकानेर सबसे क्लोज है, यहीं चले जाते हैं। अभी क्या रनिंग रनिंग करके अभी घर पे आया, वो भी ऊपर जाके एक्सरसाइज करूँगा। किधर रहे मम्मी? क्या रही है मेरी मम्मी? और ये हमारी वीडियो चल रही है आजकल हमारे घर में ना, सबसे बड़ा सुपर स्टार मैं ही, क्योंकि सारा टाइम सभी फोनों में सिर्फ मेरी वीडियो चलती है। कोई दिन में 10 घंटे अगर टीवी चलता है तो कोई 15-20 मिनट कोई और चीज़ चलेगी, बाकी सारा टाइम अपन की वीडियो चलेगी। अब मैं आ गया हूँ अपनी सो कॉल्ड जिम के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक गद्दा है। मैं विदाउट इक्विपमेंट्स के एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन हाँ एक दो डंबल रख रखे हैं मैंने, दिखाता हूँ। ये दो डंबल रख रखे हैं, ये थोड़ी एक दो एक्सरसाइज करनी होती है उसके लिए। एक चीज़ भूल गया ईयरफोन लेके आता हूँ, ताकि मेरे को गाने सुन सकूँ साथ में। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आज बहुत कम एक्सरसाइज की है क्योंकि आज रनिंग बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा चलाऊँ तो सोचा कि आज थोड़ा बॉडी को ज़्यादा ही प्रेशर में नहीं लाते हैं। और अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो मम्मी पापा। अरबी की सब्जी बन रही है। मम्मी तो मेरे नकल कढ़ाई हो, क्या कढ़ाई करो मम्मी है? तो मैं नीचे आऊँ एक मिनट। मैंने जैसे ही मम्मी के पास जाने का बोला, मम्मी के पास फ़ोन आ गया, ताकि मैं मम्मी से बात ना कर सकूं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी है बात करने में, किससे बात कर रही है पता नहीं, लेकिन बहुत बिजी है, अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। और बच्चा देखो इधर ऊपर से आया हूँ मैं एक्सरसाइज करके थका हारा मम्मी से बात करने, लेकिन मम्मी को तो टाइम ही नहीं है। वैसे इस घर का मैं बड़ा बेटा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी एक काम पापा जी ने कहा है, एक काम दादाजी ने कहा है, एक काम दादी जी ने कहा है। पापा जी ने कहा 12 वाला गेट बंद करके आना है, दादी जी ने कहा जीप थोड़ा छांव में करनी है, और दादाजी ने कहा उनकी एक कान की मशीन है वो लगवा के लानी है, तो वो जाएंगे दोपहर में या फिर कल।
वो सामने वाला गेट है जो मुझे बंद करके आना है, फिर हम जाएंगे नहाने और ये गंदी सी शक्ल को थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे। एक काम मैं भूल गया करना जो मैं रोज़ करता हूँ लेकिन कल भूल गया, और एक दिन का फ़र्क बताऊँ कितना होता है। लोग कहते हैं एक दिन में क्या होता है, एक दिन में होता है। कल तक ये हरा था, आ जाओ एक दिन पानी नहीं डाला, इसके पत्ते झड़ गए, और ये देखो इसकी हालत। ये दूसरा पौधा, इसकी हालत देखो। ये तीसरा पौधा यहाँ पे आने के, देखो यार मतलब कितना जल गया है बेचारा बुरी तरह से। और ये वाला पौधा तो शायद ख़राब ही हो गया, पर कोई बात नहीं है, हम सभी पौधों के अंदर पानी डालेंगे। बाल्टी में पानी भर रहा हूँ ताकि पौधों में पानी डाल सकें। बस ये दो तीन पौधे हैं जो हरे बचे, एक वो एक ये। यहाँ का तापमान अप्रोक्सीमेट 48-50 डिग्री के आसपास चला जाता है, और बहुत गर्म लू चलती है जिसकी वजह से ये पौधे जल रहे हैं, लेकिन हम इनको फिर भी पानी डाल के बचा लेंगे। पहले तो मैंने पहले थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ये रोज़ सही करते हैं लेने पत्ते, और ये फिर आंधी उंधी चलती है पूरा दिन, फिर ये ख़राब हो जाता है, पत्ते पुत्ते आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इसकी बाड़ बना दो ताकि पानी बाहर ना जाए, फिर इसके अंदर अंदर पानी रहेगा। ओहता अब इसमें पानी डाल। ये इधर सारों के अंदर पानी डाल दिया, चार पौधे चारों में। अब यहाँ पे ये बाल्टी रखते हैं और चलते हैं अंदर। पैर थोड़ी मिट्टी में हो गए, इनको धोते हैं। यहाँ पे पहुँचे नहीं है कि मम्मी ने एक काम और कह दिया है। मम्मी बच्चे थे जिन्होंने काम नहीं कहा था, मम्मी ने भी काम बोल दिया। एक मम्मी बच्चे थे जिन्होंने कोई काम नहीं कहा था, मम्मी ने भी काम कह दिया। उधर गाय को पानी पिलाना है। ओ गाय माता तुमको पानी हम पिला दें। नहा के आ गए और अब करते हैं वीडियो को एडिट और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ। बाय।